The question is, we have to integrate the function which is e raised to the power x into sin x plus cos x into dx. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पे कॉन्सेप्ट को शेयर कर देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ. सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x इंटू एफ एक्स, और इनकेस अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करूं तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको मिलेगा dy ओवर dx, दिस इज योर e रेज टू द पावर x, फिर आप fx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव बनेगा f डैश x प्लस एफ एक्स एज सच, और e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू द पावर x के. मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है. सपोज आपके पास फंक्शन है y इज योर u इंटू v, तो इसका डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx इज योर u v डैश प्लस v u डैश. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चीजें तो आपको पता ही होंगी. तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि इनकेस अगर मैं इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे आपको ये फंक्शन मिल जा रहा है. यानी कि ये आपको सजेस्ट करता है कि सपोज अब अगर आप e रेस टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इनकेस अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल आपको मिलने जा रहा है e रेस टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट t. अब आपको क्वेश्चन को एक बार चेक करना चाहिए कि यहाँ पे दो फंक्शन है, e की पावर x तो आपको नजर आ ही रहा है, ये दोनों में कॉमन है, दैट इज e रेस टू द पावर x, और यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन sin x है और दूसरा फंक्शन cos x है, और इनकेस अगर आप sin x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव आपको मिलता है cos x. मींस अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट से कंपेयर करूं विच इज योर e रेस टू द पावर x दैट इज sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x से कंपेयर करें तो ये आपका e की पावर x, ये आपका एफ एक्स है और ये आपका एफ डेस एक्स है. और अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो वाइल यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हम लोग डायरेक्टली इसे रिप्लेस कर सकते हैं e रेस टू द पावर x इंटू sin x प्लस सी से. तो देखिए ये तो एक तरीके से हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर ही लिया है. अब मैं आपको इसका एक और अप्रोच डिस्कस करने जा रहा हूं. तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार फिर से नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है e रेज टू द पावर x इंटू दैट इज sin x प्लस cos x इंटू dx के. तो फर्स्ट स्टेप में मैं सबसे पहले इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूं. तो फर्स्ट टर्म बनेगा e रेज टू द पावर x इंटू sin x और dx के, और सेकेंड पार्ट मेरे पास है e रेज टू द पावर x इंटू cos x और dx के. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, मैं केवल इस पार्ट को इंटीग्रेट करूंगा और इसको मैं अभी ऐसा छोड़ने वाला हूं, ठीक है. तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट करूंगा तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसके ऑर्डर को चेंज कर लेता हूं. तो सबसे पहले मुझे sin x लिखना पड़ेगा और सेकेंड फंक्शन में लेट कर रहा हूं e रेज टू द पावर x इंटू dx प्लस दैट इज इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x इंटू cos x इंटू dx. तो मे बी आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि मैंने इसका ऑर्डर क्यों चेंज किया है. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्रोडक्ट रूल में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ऑर्डर डिसाइड करना होता है, और ऑर्डर डिसाइड करने के लिए जो ऑर्डर हम लोग फॉलो करते हैं वो ऑर्डर है आई लेंथ. मतलब ये एक शॉर्ट टर्म है उसको याद करने का, आई रिप्रेजेंट फॉर इनवर्स, एल रिप्रेजेंट फॉर लॉगरिथम, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल. तो जब भी आपके पास, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो फंक्शन है, एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसमें अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो फर्स्ट फंक्शन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लेना पड़ेगा और सेकंड फंक्शन आपको एक्सपोनेंशियल को कंसिडर करना पड़ेगा. तो बेसिकली मुझे अब इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है, और दो फंक्शन के प्रोडक्ट को अगर आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला है दैट इज यू इंटू वी डी एक्स, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x. तो इसका इंटीग्रल होता है u इंटीग्रल v dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज dy dx ऑफ u इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल विच इज v dx, और इन दोनों के प्रोडक्ट को भी आपको इंटीग्रेट करना होता है इस साइन के अंदर, ठीक है. तो बेसिकली अब ये बनेगा, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन को मुझे एज सच रखना है, तो ये बनेगा sin x, देन आफ्टर e रेस टू द पावर x का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज dy dx ऑफ sin x, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल विच इज e रेस टू द पावर x dx, और दोनों के प्रोडक्ट को भी हमें इंटीग्रेट करना है. इसके बाद एक और टर्म है विच इज
ई रेस टू द पावर एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, जो कि ये वाला पार्ट मैंने अभी नोट किया है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि फर्दर ये बनेगा साइन एक्स, इसके बाद एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो डेट इज सिंपली ई रेस टू द पावर एक्स। यहाँ पे साइन एक्स का डेरेटिव होता है कॉस एक्स और ई की पावर एक्स का इंटीग्रल होता है ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस डेट इज ई रेस टू द पावर एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये दो टर्म डायरेक्टली आपके कैंसिल हो जा रहे हैं। तो आफ्टर कैंसिलेशन जो डाटा आपके पास लेफ्ट आउट है विच इज योर साइन एक्स इंटू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिविंग प्रॉब्लम।